हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शरद और इस बार मैं नए कॉलेज के ब्लॉग के साथ आया हूँ, जो है जीएमसी जालौन। 2013 में ये कॉलेज खुला हुआ था और इस कॉलेज का पूरा हम कैंपस टूर करने वाले हैं, हॉस्टल टूर करने वाले हैं और साथ ही साथ हम ओपीडी और इमरजेंसी भी देखेंगे। तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग के टाइम पे। सो आप वीडियो लास्ट तक देख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे, एक मोटिवेशन मिले और भी कॉलेजेस के वीडियो बनाने में। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप बाकी कॉलेजेस के भी वीडियोस चेक कर सकते हैं, जैसे अयोध्या का कॉलेज है, कैंपस टूर है, बहराइच का, जीएमसी आजमगढ़ का और बस्ती मेडिकल कॉलेज का कैंपस टूर है, तो आप देख सकते हो। बाकी कॉलेज का कैंपस टूर जरूर आएगा जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा काउंसलिंग टाइम में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जीएमसी जालौन का कैफेटेरिया और हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर चलने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये जीएमसी कैफेटेरिया और ये है सामने फूड स्टफ जो आपको एनी टाइम अवेलेबल मिल जाएंगे और ये है सिटिंग एरिया कि हम लोग अभी कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे। अंकल चाय मिल जाएगा? चाय मिल जाएगा और स्पेशल बताइए, पकौड़ी वगैरह? पकौड़ी मिल जाएगी, तो आप चाय और पकौड़ी कर दो, ट्राई करते हैं। बाकी बच्चे जो आएंगे आपका ये वीडियो देखेंगे। और ये है सामने एकेडमिक ब्लॉक जहाँ पे बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं, तो अंदर चलते हैं हम लोग। बिल्डिंग है जहाँ पे बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं, आपके 19 सब्जेक्ट हैं और 19 सब्जेक्ट के कुछ तो फर्स्ट ईयर में टोटल 3 डिपार्टमेंट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो ये नंबर 1 जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वो ये है, बोर्ड लगा हुआ है। और जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे आप बीपी लेना और बाकी सारे ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। बट जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट और ये भी आपका फर्स्ट ईयर का ही सब्जेक्ट होने वाला है। सामने देख सकते हो ये है लेक्चर थिएटर, तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं लेक्चर थिएटर कैसा है। और आप सामने देख सकते हो ये है लेक्चर थिएटर नंबर 2, लेक्चर थिएटर नंबर 3, 4 और ये रहा 1, लेक्चर थिएटर 1। और यहाँ पे टीचर्स रूम है
और ये वॉशरूम, और ये देखिए काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है। और ये रहा इस कॉलेज का लेक्चर थिएटर, जहाँ पे स्टे बॉयज सीट अरेंजमेंट है, और अप्रॉक्सीमेटली 150-200 स्टूडेंट एकोमोडेट हो सकते हैं इस एलटी में। और ये रहा इलेक्ट्रिकल पोडियम, ये रहा प्रोजेक्टर और ग्रीन बोर्ड, जहाँ पे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, और काफ़ी अच्छा है, और फ़ैन भी लगे हुए हैं और एसी भी लगा हुआ है साथ में। तो जब कभी आप इस कॉलेज में सेलेक्ट होकर आएंगे तो आप इस एलटी में ही बैठेंगे। आप मेरे सामने देख सकते हो, ये है बॉयज़ हॉस्टल। ये यहाँ पे कुछ बैच यहाँ पे रहता है और कुछ बैच सामने वाले हॉस्टल में रहता है, और फर्स्ट ईयर का हॉस्टल इमरजेंसी के पास में है, तो उसे तो मैं दिखाऊंगा बाद में। तो चलते हैं, आपको मैं रूम टूर कराता हूँ, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है हॉस्टल, काफ़ी अच्छा है। और ये है बॉयज़ हॉस्टल का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप देख सकते हो हर किसी को यहाँ पर सिंगल रूम मिला हुआ है। तो चलते हैं किसी एक पर्टिकुलर रूम की तरफ, जहाँ पर मैं आपको अंदर से रूम दिखाऊँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि बॉस रूम कैसा था। और ये है रूम नंबर 30, तो एंट्री कर रहे हैं ये रूम की तरफ। ये नीचे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिए हुए हैं, और ये है विंडो, और ये है मेरा फ्रेंड अभिषेक, और ये है मेरा फ्रेंड, इसका यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रहा अलमीरा और मिरर, और ये रहा पीछे ऊपर से रैक, आप सामान रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रूम है, ये सिंगल रूम में सिंगल ट्यूबलाइट और सिंगल फैन, काफ़ी अच्छा रूम है, वेल मेंटेन कर रखा है। और ये रहा टेबल, चेयर और एक बेड, मैट्रेसेस वगैरह शायद इसी कॉलेज से ही मिला हुआ है बच्चे को। सो हेलो, और इस समय मैं टेरेस पे हूँ, और मैं आपको दिखा दूँ ये जो सामने है ये जिमनेजियम है, और जो आपको ग्रीन कलर का थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू कलर का बिल्डिंग दिख रहा है गुंबद सा, वो है हमारा लेक्चर थिएटर, और सामने है एकेडमिक ब्लॉक, और आपको सामने जो लास्ट में दिख रहा है वो है OPD, जहाँ पे इमरजेंसी भी है साथ में। और जो छोटा सा बिल्डिंग आपको इमरजेंसी के पास में दिख रहा है वो है बॉयज़ हॉस्टल फर्स्ट ईयर का। सामने आपको टाइप 1 टाइप 2 SR हॉस्टल JR हॉस्टल है, और वहाँ पे है नर्सिंग हॉस्टल, और करंटली जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ वो है हमारा बॉयज़ हॉस्टल। सो काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है यहाँ पे,